अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में फिर से हाजिर हूँ एक न्यू टेस्टिमनी के साथ। आज की टेस्टिमनी है मेरी पेशेंट दीपा की, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। शादी के 2.5 साल बाद इन्होंने नेचुरल तरीके से गर्भ धारण किया है। प्रेग्नेंट ना होने की वजह से इनको लोगों के काफ़ी ताने सुनने मिलते थे। पीरियड जैसे ही आ जाते थे इनको काफ़ी दुख होता था और ये रोने लग जाती थी। लोगों ने तो इनकी सासू माँ को ये तक कह दिया कि बेटे की दूसरी शादी करवा दो, इसको बच्चे नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में मेरी ये पेशेंट ने पेशेंस रखा, एक भरोसा रखा कि नहीं, मैं भी माँ बन सकती हूँ। और सिर्फ 2 महीने के ट्रीटमेंट में ही मेरी ये पेशेंट ने लकीली प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। शादी को इनके 2.5 साल हो गए थे, लेकिन ये 1 साल से ट्राई कर रही थी और डॉक्टर को भी इन्होंने दिखाया। डॉक्टर्स ने इनकी रिपोर्ट भी करवाई और ये कहा कि आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन जब इनकी मेरी बात हुई कंसल्टेशन के दौरान, मैंने इनकी रिपोर्ट चेक करी और ये देखा कि इनको PCOD का प्रॉब्लम है। इनका AMH 6.62 था और एज 27 थी और हस्बैंड की 28। इनकी एज के अकॉर्डिंग इनका एमएच काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से इनको PCOD का प्रॉब्लम था। लेकिन ये बात किसी भी डॉक्टर ने इनको नहीं बताई। मैंने जब इनको PCOD कहा तब ये काफ़ी शॉक हो गई थी कि मेरे पीरियड्स तो रेगुलर आते हैं, मुझे PCOD कैसे हो सकता है। तब मैंने इनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि पीरियड रेगुलर होते हुए भी PCOD हो सकता है। तब मैंने इनको PCOD का ट्रीटमेंट दिया, जो मैं आगे आपको शेयर करूंगी। PCOD का ट्रीटमेंट लेते हुए विदिन अ 2 मंथ में ही मेरी ये पेशेंट ने लकीली कंसीव कर लिया। आइए मैं आपको दीपा की लाइव रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। काफ़ी इमोशनल ये वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको भी दीपा की ही तरह प्रॉब्लम है तो आप भी इस वीडियो में दिए गए टिप्स को अच्छी तरीके से फॉलो करके प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रेगुलरली फॉलो किए थे और 1 मंथ में, मतलब जून में तो टाइम पे एकदम पीरियड पा गया, तो उस टाइम कंसीव नहीं किया। कि सेकंड मंथ में चले गए थे घर, मम्मी बीमार थी तो उस मंथ में कंसल्ट में थे ही नहीं। और जब वहां से आए तो अगस्त में हम साथ में हस्बैंड के थे, तो कंसल्ट में रहने के बाद उसी मंथ में जब मेरा प्रेगनेंसी रुका तो एकदम से बिलीव ही नहीं हुआ कि सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ 2 ही मंथ। अच्छा, तो आपको PCOD का प्रॉब्लम था और अंडे नहीं बनते थे, पीरियड भी नहीं आता था आपको, राइट? हाँ मैम। तो आप कब से ट्राई कर रहे थे, कितने साल से ट्राई कर रहे थे? मैम ये हम 1 साल से ट्राई कर रहे थे। शादी को कितना साल हुआ? शादी को भी 2.5 साल हुआ है। 2.5 साल हुआ शादी को। अच्छा, तो आपने डॉक्टर को दिखाया था कि पीरियड में? डॉक्टर को दिखाया था आपने? हाँ मैम, डॉक्टर को दिखाया था, दो डॉक्टर से दिखवाए थे। जैसे एक मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो के बाद मेरे पीरियड फ्लो वगैरह सब कुछ कम हो गया था। अच्छा। तो उस चीज को देखते हुए डॉक्टर से कंसल्ट किया। जैसे एक डॉक्टर को जब दिखाई थी तो वो बोली कि अंडे का क्वालिटी तुम्हारा अच्छा नहीं है, वो रैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो वो करीब 6 महीने तक ट्रीटमेंट करवाती रही मेरा, क्योंकि जो इंजेक्शन वगैरह बोल रही थी सारा कुछ लिया, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो वो बोली कि अगले मंथ में आओ। तो 6 महीने तक वेट करते करते अंदर से पेशेंस खत्म हो चुका। फिर बोले कि छोड़ दो, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, अब हमने दिखाएंगे। फिर उसके बाद कोई और सजेस्ट किया कि एक और मैम है, वो बहुत अच्छी है, उनके पास जाओ। उनसे भी मतलब लिए 3 महीने तक सारा कुछ दवा वगैरह। तो वो बोली कि हस्बैंड के साथ रहने को बोली अप्रैल में मंथ में। तो हस्बैंड के पास छत्तीसगढ़ में आ गए। जब यहाँ आए तो अप्रैल मंथ में भी सारा ट्रीटमेंट लेते हुए थे तो कंसीव नहीं हो पाया मैम। अप्रैल में नहीं हुआ। उसके बाद फिर मई में अचानक से आपका फर्स्ट वीक में आपका यूट्यूब पे चैनल देखे मैम, तो सोचे कि एक बार ट्राई करना बनता है, इतने सारे लोगों का पॉजिटिव आया है तो मे भी मेरा भी हो जाए कुछ। फिर उसके बाद आपसे कंसल्ट किए मैम, तब तो सारा कुछ अपना बताए थे, तो आप बोले कि सारा कुछ जो भी थे आप बताएं वो सारा कुछ फॉलो, एकदम जो नियम से होता है ना, रूल एकदम बना लेना, सारा कुछ वैसे ही फॉलो करते गए। और फाइनली 2 महीने बाद जब देखे तो मेरा तो किसी का ठिकाना नहीं रहा मैम। अब बस इसीलिए सेकेंड कंसल्टेशन आपसे लिए कि मैम आप आगे को बताइए कैसे हम क्या सही से लेते रहें।
अच्छा सब कुछ अच्छा ठीक रहा। अच्छा और आपकी गुड न्यूज़ सुन के अभी फैमिली का क्या रिएक्शन है, आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन है? गुड न्यूज हस्बैंड का मतलब बहुत ज्यादा अभी खुश था, वो बोले कि सच में मतलब तुम्हारे लिए वो एक क्या बोलते उसके एंजल के रूप में आई है, जो तुम इतने अच्छा साल से ट्राई कर रही थी। मैम एक साल से डिप्रेशन में थे क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग बहुत तरह का बात करना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ अच्छा लोगों का तो ओपिनियन जिस मंथ में प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है मैम उस मंथ में लोगों का ओपिनियन तो आया थी मेरी मदर इन लॉ से कि आप अपने बेटे को दूसरी शादी कर दीजिए, इसको नहीं होगा, ओह माय गॉड, ऐसा सुनने में आया। उस टाइम भी बहुत ज्यादा अंदर से सुनने में बहुत बुरा लगा। हमने कि ठीक है जिसको जो बोलना है बोलिए, जब तक ज्ञान है तब तक तो कोशिश तो करेंगे, जो बोलेंगी मैम वो करते जाएंगे, बस विश्वास रखना है बाकी का ऊपर वाले का हाथ में है, बस यही अच्छा सोच कर मैं उसी मंथ कंसीव की है। तो आपको मुझ पे और अपनी विश्वास था? स्ट्रेस हाँ मैम एकदम अच्छा फुल्ली विश्वास करके, क्योंकि इतना सारा टेस्टिमनी देखे थे ना तो लगा था कि यार एक बार ट्राई करने में क्या जाते हैं, इतने दो तीन लोगों को दिखाए हैं कम से कम इन पे तो विश्वास करके देखना बनता है। और सच जी में मैम विश्वास किया, सच में ये फॉलो हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि देर से ही सही लेकिन सबको ये न्यूज मिलेगा एक ना एक दिन आपके थ्रू। अच्छा थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं यूट्यूब पे सब कुछ सही नहीं होता, तो आपको भी ऐसा हाँ मैम ये लगता हम भी सुने हैं बहुत कि बहुत सारे लोग हमसे भी बोले यूट्यूब पे सही नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं। हम बोले थे एक ही चीज, दो लोगों से जब बताए थे ये चीज को कि एक मैम से दिखा रहे हैं तो हम बोले कि एक बार मैम तो उसे सही बता रही ना कि आपको ये खाना है, इतने सारे मेडिसिन जब खा चुके हैं तो ये तो सारा होममेड और ये आयुर्वेद बता रही है मैम, तो खाने में क्या जाता है, कुछ नुकसान तो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ फायदा ही करेगा, बस ये सोच के मैं स्टार्ट हुए थे कि खा के देखते हैं बाकी का सब ऊपर वाला करेगा। जी। और सबसे ज्यादा मैम मेरी मम्मी खुश हुई है सबसे अच्छा ज्यादा। अच्छा आपको मतलब अगर मतलब रोज बात उनसे होती है, एक बार ऐसा नहीं होता है ना मैम कि आपके बारे में बात नहीं निकालती है, एक अच्छा बार जरूर बात निकालती है, बोलती है कि उनको मेरा दुआ लगेगा, वो बहुत तरक्की करेंगी, हर खुशी मिलेगी कि वो हमको इतना अच्छा दिन दिखाए। क्योंकि अच्छा मैम मेरे घर में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरे पापा भी एक साल पहले एक्सपायर कर रहे हैं, तो मम्मी पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था। और जब सुनी वो कि सेकंड मैरिज को लेकर बात हो रहा है घर में तो और ज्यादा वो भी डिप्रेस हो गई थी। ओह माय गॉड, ये बात तो बता के आपने मेरे को, ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी मम्मी मेरे लिए दुआ कर रही है। थैंक यू सो मच, आपकी मम्मी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना कि उन्होंने मेरे लिए इतनी दुआ की। हाँ जी मेरे एक दो और सिस्टर हैं जो भी मतलब इन सब चीजों में है, जी इनफर्टिलिटी से प्रॉब्लम कर रही हैं, वो लोग अभी ट्रीटमेंट ले रही है, तो उन लोगों को भी हम बोले हैं जैसा तुम लोगों को फायदा उधर नहीं हुआ तो तुम लोग एक बार मेरे से बोलना, हम एक ऐसे इंसान का तुम लोग हम बताएंगे ना जिसे 110% होगा तो होगा। तो वो लोग ओके बोले कि ठीक है। हाँ मैम हम सबको ये चीज बोल रहे हैं अपने मन से कि एक बार ट्राई करना बनता है इनका, क्योंकि भाई अच्छा जो हम अपने आप पे बिलीव किए मैम कि जो मेरे साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, इंसान को पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जी हर एक चीज में। जी। आप डियर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अभी भी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं? मैम जो लोग अभी ट्राई कर रही है ना उनको बस इतना बोलेंगे कि एक बार खुद पे और आप पे दोनों पे बिलीव करके देखें और सारे ट्रीटमेंट को अच्छे से एकदम फॉलो करें, और एक मंथ में नहीं होता है, 2 मंथ में नहीं होता है, आप फिर जब भी हो कंसल्ट करें वो लोग, क्योंकि ऐसा अच्छा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा, होगा अच्छा ये हम 110% बोल रहे हैं कि वो लोग ओके होप ना हटाए, अपने अच्छा पेशेंस के साथ इस चीज में आगे बढ़ते रहे कि बस जब तक हम हैं तब तक करना है कोशिश, क्योंकि जी, थैंक रोने यू से सो कुछ भी मच। फायदा है नहीं मैम, अब जी, बस राइट, कोशिश करते जाओ। आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया आइडिया, बहुत बड़ा, कि रोने से कुछ नहीं होगा, कोशिश करो, बहुत बड़ा मैसेज दिया हाँ मैम आपने। ये चीज हम बहुत सीख ली है एक साल में, क्योंकि हम बहुत डिप्रेशन में रह चुके हैं बहुत ज्यादा।
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं दीपा ने कितनी ब्यूटीफुली अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर की है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी तब लोगों ने उन्हें कितने ताने दिए, कितना मेंटली उनको हरास किया, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखे और एक भरोसा रखा कि नहीं मुझे भी कंसीव हो जाएगा। इस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, हमें मेहनत करना है तभी हमें रिजल्ट मिलेगा और हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी ही पॉजिटिव होगा हमारे साथ। ये एक पॉजिटिव मैसेज है आप लोगों के लिए भी कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें मेहनत करना है, हमें उसका फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। मेरी ये पेशेंट ने काफ़ी संघर्ष के बाद कंसीव किया है। आप में से भी बहुत सी ऐसी लेडीज़ होंगी जो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं कंसीव करने के लिए। बहुत सी लेडीज़ तो उम्मीदें भी छोड़ चुकी होंगी, किसी किसी का IVF भी फेल हो चुका होगा। तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी, अपनी तरफ से ट्राई ज़रूर करना है ताकि आपको भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही ट्रीटमेंट लेना है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरी पेशेंट को पता ही नहीं था कि इनको PCOD का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही इन्होंने PCOD का ट्रीटमेंट लिया, विद इन अ 2 मंथ में ही इन्होंने अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हुए कंसीव कर लिया। इससे अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही ट्रीटमेंट करवाइए या टिप्स को फॉलो करिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे आगे भी ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि आपके द्वारा और भी लोगों की हेल्प हो सके। साथ ही में मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए बहुत से लोगों ने अपना ओवुलेशन ट्रैक किया, अपनी डाइट को इम्प्रूव करते हुए कंसीव किया है। ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आज ही इसे डाउनलोड करें। जिस तरीके से दीपा ने मुझे कंसल्ट किया, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, तो पूरे देश भर से आप मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू बात कर सकते हैं। यानी कॉल के द्वारा आप अपना केस मुझे बता सकते हैं, रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको ट्रीटमेंट दे सकूं ताकि आप भी कंसीव कर सके। इसके लिए आपके स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इसको सेव करना है और व्हाट्सएप करना है I want appointment। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी, या फिर नीचे दिए हुए email ID पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नीचे एक लिंक भी मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी पहुंच सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेशन है, इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।